हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिमी। स्वागत है आपका हिंदुस्तानी ब्लॉगर सिमी की रसोई में। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है बहुत ही टेस्टी पालक पनीर। सर्दियों का मौसम चल रहा है, पालक बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, तो इस समय आप पालक पनीर ज़रूर बनाइए। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन में 2 ग्लास पानी लिया है और पानी को मैंने उबाल लिया है। अब इसमें डालेंगे हम पालक। पालक को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, डंठल मैंने निकाल दिया है, पत्ते लिए मैंने, और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, पालक हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बाउल में जो है ठंडा पानी लिया है। अब इसी ठंडे पानी में हम अपनी पालक को डालेंगे। मैंने इसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए थे, तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो इस तरह से जब अपनी पालक हम डालेंगे ना, तो इसका कलर एकदम हरा हरा रहेगा, बिल्कुल इसका कलर नहीं जाएगा। आप ये ट्रिक ज़रूर अपनाइए, हमारी पालक पनीर बहुत ही अच्छी बनेगी, एकदम ग्रीन ग्रीन। तो हम जो है इसे छलनी से छान लेते हैं, इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देते हैं। तो इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है। अब लेंगे हम मिक्सर जार। इसमें डालेंगे हम 4 हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कलियां, हरी धनिया पत्ती, और जो मैंने पालक उबाल के रखा हुआ था ना, उसे भी हम इसमें डाल लेंगे। और इसका पेस्ट बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए, मैंने पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। अब उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच सरसों के तेल, और तेल को हम गर्म होने देते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच जीरा। तो इसमें डालेंगे हम बारीक कद्दूकस किया हुआ अदरक, प्याज, और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर प्यूरी। तो मैंने टमाटर को थोड़ा सा उबाल लिया था, उसके बाद मैंने मिक्सर जार में चला लिया था। इस तरह से मैंने प्यूरी बनाई हुई थी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने प्यूरी को भी भून लिया है, क्योंकि टमाटर पहले से भी पका हुआ था। तो आप इस तरह से प्यूरी बनाइए। और मैंने डाला है धनिया पाउडर और गरम मसाला, इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब जो मैंने पालक की प्यूरी बनाई हुई थी, हरी मिर्च, लहसुन, धनिया और पालक से, उसे हम डाल के 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और मिक्सर जार में जो हमारी प्यूरी लगी हुई थी, मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी ले लिया है। तो हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। पालक को हम खोलकर ही पकाएंगे, हम इसे ढकेंगे नहीं तो हमारा कलर जो है चला जाएगा। तो हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच क्रीम, एक घर का फ्रेश क्रीम है, जो दूध के ऊपर मलाई रहती है ना, वही क्रीम है। तो हम इसे भून लेंगे अच्छी तरीके से। आप जो है बिल्कुल इसे ढकिएगा मत, ढक के नहीं पकाना है, नहीं तो हमारा कलर जो है
अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने इसमें डाल दिया स्वाद अनुसार नमक, और नमक को मैंने अच्छे से मिला दिया है। तो देखिए प्यूरी एकदम पककर तैयार हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर लिया 100 ग्राम पनीर और मैंने इसको बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिए हैं। पालक पनीर में बड़ा बड़ा पनीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने इसे बड़ा बड़ा कट किया है। और इसे हम मिला देंगे और 1 से 2 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर पका लेंगे। देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। आप इसे ठंडी के मौसम में ज़रूर बनाइए, पूरी पराठे के साथ या पुलाव के साथ आप इसे सर्व कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तैयार हो गई हमारी पालक पनीर। तो हम इसे निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे छोटी सी कढ़ाई ली है, इसे भी मैं सर्व करूँगी। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारी पालक पनीर। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।